प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ निजीकरण करना चाहते हैं। चिप्स के पैकेट का तो दाम तय करेंगे अडानी जी, चिप्स के लिए आलू उगाता है वो अपना पैसा क्यों नहीं देंगे। देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, इसमें दो आदमी को छोड़ दीजिए, अडानी को और जयशाह को, बाकी सबके साथ में अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को भटकाना चाहती है। जिस मणिपुर पे मोदी जी की नजर नहीं जाती है उसी मणिपुर से ये यात्रा चली है, क्योंकि नारी सम्मान सर्वोपरि है। किसान के साथ, नौजवान के साथ, कर्मचारी के साथ, सबके साथ अन्याय हो रहा है। कैसे हो रहा है? भाजपा के गुंडों का, बालू माफिया, जंगल माफिया, ये ज्यादा सक्रिय हैं, उन्हीं का विकास हो रहा है, आम जनता का विनाश हो रहा है। पहले परीक्षार्थी अगर परीक्षा देता था तो उसको यही डर था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। अब एक और डर है कि मेरा पेपर कहीं लीक ना हो जाए। पेपर लीक आपसे संभाला नहीं जा रहा है। आप बात करते हैं विश्व गुरु बनाने की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये कैसा राम राज्य है जहाँ युवा बेरोजगार है, महिला परेशान है और लोगों को रोजगार नहीं मिला, ये कैसा राम राज्य है? हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, नफरत की राजनीति अब नहीं होने वाली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 38वां दिन है। यात्रा आज लखनऊ में प्रवेश कर रही है। मैं इस दौरान लखनऊ में मौजूद हूं। अभी राहुल गांधी यहां पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम लोग यहां पर इकट्ठा होने लगे हैं उसकी तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। और यहीं से राहुल गांधी जो है वो लखनऊ में प्रवेश करेंगे। कुछ लोग जो राहुल गांधी से मिलने के लिए इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के लोगों के क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा, ये बताइए इस यात्रा का कैसा माहौल देख रहे हैं और राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए लखनऊ में मौजूद हैं आप, क्या माहौल है और क्या मुद्दे हैं आपकी बात? देखिए, इस बार सबसे अहम मुद्दा जो है रोजगार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर बार पेपर तो होता है लेकिन पेपर लीक हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते। इनका जो सबसे बड़ा वादा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार ये सरकार नहीं दे रही है। दूसरा, महिला असुरक्षित है इनकी सरकार में। सबसे ज़्यादा इनके सांसद और विधायक जो महिलाओं के साथ में शोषण करते हैं, श्रमिकों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, भागीदारी 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90% हमारा। और जो श्रमिक हैं उनको उनका हक अधिकार और मूल पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी को कैसे ऊपर किया जाए इसमें लगे हुए हैं। किसानों को उनका MSP नहीं मिल रहा है। किसान भी इस देश की सबसे बड़ी जो उनकी भागीदारी है, उनको MSP नहीं लागू करना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ निजीकरण करना चाहते हैं। एक चीज़ बताइए कि चिप्स के पैकेट का तो दाम तय करेंगे अडानी जी, लेकिन बताइए जो चिप्स के लिए आलू उगाता है वो अपना पैसा क्यों नहीं तय करेंगे? जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, राहुल गांधी ने इसको न्याय यात्रा का नाम दिया है। उनका कहना है इस देश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, लगभग सभी वर्ग के साथ बीजेपी की सरकार में अन्याय हो रहा है, इससे आप कितना समर्थन करते हैं? देखिए, 100% ये बात सही है। पत्रकार महोदय, आपको ये भी जानना चाहिए कि पत्रकारों के साथ भी अन्याय हो रहा है। आप चले जाइए, पड़ोस में ही अमेठी है, और आपको याद होगा कि 13 रुपये किलो चीनी एक पत्रकार ने पूछा था, स्मृति ईरानी ने जवाब क्या दिया था। तो पत्रकारों के साथ भी अन्याय। देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, इसमें दो आदमी को छोड़ दीजिए, अडानी को और जयशाह को, बाकी सबके साथ में अन्याय हो रहा है। तो ये यात्रा आपको क्या लग रहा है, कितना बड़ा इम्पैक्ट होगी, जो शोषित वंचित समाज है उसको कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय के लिए राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं, और 24 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा और तानाशाही की सरकार साफ हो जाएगी, और 24 में प्रचंड बहुमत से इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, और जितने भी शोषित अल्पसंख्यक OBC SC ST हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको सबको उनका न्याय मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लोग तरह तरह के बयानबाजी इस यात्रा को लेकर कर रहे हैं, क्या लग रहा है डर गई है बीजेपी, बौखलाहट है राहुल गांधी की इस यात्रा से? बिल्कुल, राहुल गांधी के उन तमाम मुद्दों से कहीं ना कहीं डर गई है, क्योंकि जो तमाम जो भारत के 140 करोड़ हैं उन जनता को पता ना चल जाए, क्योंकि हम कह रहे हैं न्यायिक की बात कर रहे हैं, न्यायिक संगत की बात कर रहे हैं, हम श्रमिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, युवाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, हम नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, उन तमाम किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को भटकाना चाहती है और इन मुद्दों को भटकाना चाहती है, इसलिए राहुल गांधी को बदनाम करने का काम करती है। आपको पता होगा जिस मणिपुर पे मोदी जी की नजर नहीं जाती है उसी मणिपुर से ये यात्रा चली है, क्योंकि नारी सम्मान सर्वोपरि है। और आपको पता होगा जिस असम के अंदर वहाँ के युवाओं के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जो हेमंत बिस्व सरमा उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और इन युवाओं को शोषण किया गया था, तो उस असम के युवा ने भी बता दिया कि राहुल गांधी के साथ है। आपको पता होगा उसी बिहार के अंदर भी युवाओं ने बता दिया कि जिस तरह से नौकरियां दी गई, और जहां PDA की बात होती है उस PDA के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो उसके लिए राहुल गांधी ने आह्वान भी कर दिया उत्तर प्रदेश की धरती से ही कि जातीय जनगणना होगा फिर आगे की बात होगी। और बात ये तमाम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करना चाहता हूँ, जहाँ आदिवासी आंदोलन करने को मजबूर है, दिन रात
दो महीने से उस छत्तीसगढ़ की धरती से भी राहुल गांधी ने आह्वान कर दिया, हमारे लिए अगर कोई प्राथमिकता पहली है तो आदिवासी समुदाय है, और जहां पे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका रही तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए। तमाम यात्रा अभी यूपी में है, अमेठी में कल थे राहुल गांधी। स्मृति ईरानी जो है बहुत बोल रही थी, वो कह रही कि जनता ने जवाब दे दिया है, अमेठी में देखा होगा। कल उनको एक लड़के ने तो जवाब दे दिया जब उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था हटवा लीजिए वरना मैं बैठ जाऊंगी, तो एक लड़के ने कहा बैठ जाइए मैडम बैठ जाइए, तो उन्होंने कहा अरे भैया अभी कहाँ बैठ जाएंगे। अब अपने ही बात से तुरंत पलट गई, ठीक मैं बैठने वाली नेता नहीं हूं। जी बैठने वाली नहीं है, वो पहले क्यों कहा बैठ जाएंगे, पहले क्यों कहा मैं बैठ जाऊंगी, अभी ये बताइए बैठने वाली ही नेता। यूपी में कैसा माहौल है, राहुल गांधी यहाँ पे लखनऊ में आ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्या अन्याय हो रहा है किसान के साथ, नौजवान के साथ, कर्मचारी के साथ, सबके साथ अन्याय हो रहा है। कर्मचारियों का तो देखिए भाजपा ने कह दिया कि वेतन आयोग लागू नहीं होगा, 8 साल में महंगाई भत्ता 46% पहुंचा है, किसान का कहा तक आय दुगना कर देंगे तो उनके गन्ने का रेट 10 साल में 55 रुपया बढ़ा है, और यही यूपीए सरकार में 10 साल में 193 रुपया बढ़ा था। बाबा बोल रहे हैं यूपी में विकास हो रहा है। हाँ विकास हो रहा है, भाजपा के गुंडों का, दूसरे दलों के लोगों का घर गिराया जा रहा है और भाजपा के जो गुंडे हैं उनका विकास हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है यूपी में अगर आए हैं बालू माफिया, जंगल माफिया, ये ज्यादा सक्रिय हैं, उन्हीं का विकास हो रहा है, आम जनता का विनाश हो रहा है। ये बताइए 50,000-60,000 की भर्ती के लिए अगर 50 लाख लोग आवेदन करते हैं, हायर एजुकेशन लोग जो है आवेदन करते हैं, तो कितने बेरोजगारी हिंदुस्तान में होगी और आपके यूपी में होगी, सोच सकते हैं। तब भी पेपर लीक हो जाता है। जी पेपर हर पेपर इनका लीक हो जाता है, सरकार की आय हो जाती है, बाकी सरकार की मंशा लीक कराने की है, सरकार की मंशा है ताकि भर्तियां करके तनख्वाह ना देना पड़े और उनका 500-500 रुपया वसूल के 100-200 करोड़ इकट्ठा कर। कांग्रेस अगर आएगी ठीक है तो समरसता बढ़ेगी, लोगों के साथ न्याय होगा, अगर भाजपा आएगी तो केवल छुआछूत बढ़ेगा और केवल आडंबर बढ़ेगा, जात पात का जहर बढ़ेगा। छुआछूत करती है बिल्कुल, भाजपा का काम ही यही है कि लोगों को बरगलाना, नफरत जो है फैलाना, छुआछूत। उनको सोचिए अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री से हटे तो उन्होंने उसको धोया मुख्यमंत्री आवास को, क्या अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं थे? क्या राहुल गांधी जब कल जिस चौक पे दे रहे थे भाषण उसको उन्होंने धुलवाया? आप बनारस में उनसे सोच पूछिए कि क्या वह राहुल गांधी हिंदू नहीं है? उनको हिंदुओं से नफरत है, उनको केवल और केवल सत्ता से लगाव है और सत्ता पाने जाते हैं हिंदुओं को बरगला करके बस। बीजेपी को लग रहा है वो खुद हिंदूवादी हैं, वो खुद हिंदू हैं, बाकी कोई हिंदू नहीं। बिल्कुल साफ है, आप बताइए कि जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो कार्यालय को धुलवाया गया, राहुल गांधी जी बनारस में आए वहाँ पे धुलवाया गया, और आप बताइए अभी जल्दी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पे देखने को नहीं मिली जैसा राहुल गांधी जी ने बताया, कोई किसान वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे अडानी जी, अंबानी जी और ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन जी घूम रहे हैं। राय, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, फलाना धमाका, बड़ी बड़े 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 सेलिब्रिटी, आम जनता कहाँ थी? अभी यूपी में है, यूपी में आदित्यनाथ जी की, योगी जी की सरकार है, जब से उनकी सरकार आई है बुलडोजर को लेकर बड़ी चर्चा होती है, बुलडोजर कैसा चल रहा है, क्या क्यों चले पहले ये बताइए, क्यों अदालतें बनाई गई, क्यों संविधान बना, क्यों पुलिस बनी, क्यों कानून बना? अगर बुलडोजर से न्याय होना है कोई मुख्यमंत्री चाहे जो हो वो किस हक से और किस आधार पे संविधान के धज्जियां वगैरह, तो कह रहे हम न्याय बांट रहे हैं, बुलडोजर न्याय बांट रहे हैं, पूरा जीवन लग जाता है किसी को घर बनाने में, और जब तक कोर्ट किसी को सजा नहीं देती तब तक अपराधी मानते कैसे हैं आप? क्या निर्धारण करने का तरीका है उनका? यूपी में तो खुद ही इलाज कर दे रहे हैं, वो सबका न्याय कर दे, बाबा इलाज इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि देश में तानाशाह की सरकार है, बाबा उन्हीं की वंशावली को आगे बढ़ा रहे हैं। तानाशाही चल रही, बिल्कुल तानाशाही चल रही है। वो केवल ये समझते हैं कि अब हमारी सरकार आ गई, लोगों को बेवकूफ बना करके हम इस सत्ता पे कायम रहेंगे और लोगों को डराए रहेंगे, आम जनता को डराए, जो वोट भी कांग्रेस को देना चाहते हैं, अन्य पार्टियों को देना चाहते हैं, वो बोलता नहीं है, वो केवल इसलिए कि हम वोट दे के चले आएंगे, ये जान लीजिए तानाशाही है पूरी तरीके से, लोग डर रहे हैं, आम जनता डर चुकी है। लोगों से बात करते हैं सबसे, क्या डरा रहे हैं मोदी जी? क्या वो तो बोले थे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अब तो डराने पे उतर। मोदी जी चाहे जितना डरा लें, ये वो जनता भारत की है कि ये अंग्रेजों से लड़ी थी नहीं डरी थी, तो मोदी योगी जी से कहाँ डरने वाली है। दूसरी बात, ये अगर बुलडोजर की बात करते हैं तो इस देश में कांग्रेस 70 साल थी, अगर कांग्रेस भी बुलडोजर से न्याय करने लगती तो मेरे ख्याल से एक भी भाजपाई यहाँ नहीं रहते, ना ही भाजपा की सरकार बनाने वाले लोग रहते। लेकिन कांग्रेस कभी नफरत की राजनीति नहीं किया, कांग्रेस ने सबकी बात किया है, सबका साथ सबका विकास की बात किया, ये तो इनका नाम जो है सबका साथ सबका विकास, ये केवल एक सूत्रे काम है। आज के डेट में आप देख लीजिए, जब 70 साल हो गया देश 75 साल आज़ाद हुए,
हमारे यहाँ बहुत बड़ी गरीबी थी जो अंग्रेजों से हमने खाली कराया। तमाम लोग गरीब थे इस देश में, कोई तालाब पे घर बना लिया, कोई खरिहान में घर बना लिया, कोई आबादी में घर बना लिया। 70 साल कांग्रेस थी, कभी ऐतराज नहीं किया, क्योंकि हमारे देश में आज भी लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। लेकिन ये धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। तमाम लोग, बड़े बड़े नेताओं का घर गिराया जा रहा है, विपक्षी नेताओं का गिराया जा रहा है, इसीलिए कुछ कमज़ोर लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। लेकिन जिस दिन अपने हथियार का इस्तेमाल करेंगे, उस दिन ये भारतीय जनता पार्टी को जमीन नज़र नहीं आएगी। लेकिन यूपी में है, मैं कुछ और आखिरी सवाल पूछूंगा, यूपी में क्या मेन मुद्दे हैं जो सरकार गलत कर रही है, क्या अन्याय हो रहा है, और राहुल गांधी के साथ आप लोग इस यात्रा में क्यों जुड़ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ये जो न्याय यात्रा है वो इसी चीज़ के लिए है, जो अन्याय हो रहा है यूपी के लोगों के साथ, वही चीज़, वही काम के लिए हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी निकले हैं कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे। हम सबकी, देखिए, एक तरफ नफरत की बात हो रही है, दूसरी तरफ हमारे नेता मोहब्बत की बात कर रहे हैं और अपने साथ सबको जोड़ के लेके चलने की बात कर रहे हैं। और ये लोग 80-20 की राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले यही बाबा 80-20 की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग 80-20 की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे लिए इस देश का हर एक आदमी, हर एक इंसान हमारे बिल्कुल सम्मान के बराबर है। इसलिए मेरे नेता का ये कहना है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, नफरत की राजनीति अब नहीं होने वाली। नफरत की राजनीति यूपी में नहीं चलेगी, राहुल गांधी आए हैं न्याय देंगे। बिल्कुल, हमारे माननीय राहुल जी आए हैं और न्याय दिलाने, लोगों को मोहब्बत दिलाने के लिए, मोहब्बत से जोड़ने के लिए, देश को जोड़ने के लिए, देश को एकता में लाने के लिए हमारे माननीय राहुल जी आए हुए हैं। और अब बिल्कुल नफरत की राजनीति नहीं चल सकती है। मतलब 24 में चुनाव भी हैं, यात्रा कितना इम्पैक्ट डालेगी, इसको कैसे देखें? ये न्याय यात्रा 24 में हमें इतना इम्पैक्ट डालेगी कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने। तो युवा हैं, युवाओं को तो योगी जी नौकरी बांट रहे हैं, न्याय दे रहे हैं ना युवाओं को कि नहीं मिल रहा है न्याय? पूरा न्याय मिल रहा है, और इतना न्याय मिल रहा है कि पहले परीक्षार्थी अगर परीक्षा देता था तो उसको यही डर था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। अब एक और डर है कि मेरा पेपर कहीं लीक ना हो जाए, तो ये बहुत बड़ा डर है। आज का समय ये है कि अगर कोई परिजन अपने बच्चों को इलाहाबाद भेजता है और 10,000 रुपया अगर महीना वो देता है, तो बाद में पता चला वो बच्चा अपने पिता माता से वादा करता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या पता चलता है, वो पेपर दे करके आता है, परिजन को फोन करता है कि मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, इस बार मेरा सिलेक्शन होना ही होना है, और 5 मिनट के अंदर खबर चलती है कि यहाँ के दलालों ने बंदरबांट कर दिया है और उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार युवाओं को छलने का काम कर रही है, इस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है। बताइए, युवा बेरोजगार है और पेपर लीक आपसे संभाला नहीं जा रहा है। आप बात करते हैं विश्व गुरु बनाने की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, सुशासन चल रहा है, राम राज्य आ गया है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। ये कैसा राम राज्य है जहां युवा बेरोजगार है, महिला परेशान है और लोगों को रोजगार नहीं मिला, ये कैसा राम राज्य है? इस राम राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, राम मंदिर बनता है, राम सबके आस्था का विषय है, लेकिन उस पर राजनीति होती है इतने बड़े स्तर पे। आप बताइए, वहां राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, बड़े बड़े लोगों को वहां बुलाया जाता है, क्यों वहां के मजदूरों को नहीं आमंत्रित किया गया? यूपी में योगी का शासन ठीक नहीं चल रहा है। यूपी में योगी जी का शासन तो इस तरह चल रहा है कि कोई पेपर बची नहीं रहा है। बच्चे पेपर भरने से पहले सोचते हैं कि भरे कि ना भरे, क्योंकि ये तो लीक हो जाएगा। हर बार पेपर लीक आपसे संभाला नहीं जा रहा है। आप बात कर रहे हैं देश चलाने की, राज बहुत अच्छे से समझ। हाँ, ये तो समझ ही रहा है, जैसे डंडे के नोक पे आप डंडा लगा करके सबको कहेंगे कि चुप हो जाओ और शासन बहुत अच्छा चल रहा है। यहीं इको गार्डन में कितने दिनों से लोग बैठे हुए हैं, धरना देने की मनाही है, 144 लागू है पूरे प्रदेश में, लोगों को उठा लिया जाता है, छात्र नेताओं के ऊपर दबिश दे दी जाती है। तो इस सरकार में युवाओं को रोजगार के नाम पर डंडा मिलता है और पकौड़ा तलने की बात कही जाती है। तानाशाही कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका तरह से, ये हिटलर शाही है, तानाशाही है। आज के समय में, आने वाले समय में अगर 24 में इनकी सरकार बन गई तो ये भूल जाए कि चुनाव ना होगा और रोजगार तो भूल जाइए पूरी। अभी राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा में जुड़ रहे हैं, अभी लखनऊ में आने वाले राहुल गांधी, कितनी उम्मीद राहुल गांधी से आप? देखिए, मुझे माफ करेगा लेकिन मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि किसी राजनेता की इतनी हैसियत नहीं है कि वो राहुल गांधी जी की तरह सड़कों पर चले और आम जनभावनाओं की बातों को सुने। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और राहुल गांधी लोगों के मन की बात सुनते हैं, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। अपने मन की बात थोपना लोगों पे और लोगों की बात सुनना। आज देखिए, वो सड़कों पे चल रहे हैं, लखनऊ जैसे तमाम
तमाम प्रदेश की सड़कों पर चल रहे हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी दर्द पीड़ा से रूबरू हो रहे हैं। इलाहाबाद जैसे शहर में युवाओं की रोजगार की समस्याओं को सुन रहे हैं, तो बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को वो समझ रहे हैं और महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको भी वो देख रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखें ना, राहुल गांधी के ऊपर इतना बड़ा व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी चला करके और फेक बना करके उसके बाद सड़कों पर देखिए कितनी भीड़ है राहुल गांधी को लेकर के, लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है दिन पर। न्याय मिलेगा राहुल गांधी के नेतृत्व, बिल्कुल न्याय मिलेगा, हम सभी आश्वस्त हैं और राहुल गांधी जी से हमें पूरी उम्मीदें हैं। वो देश के सबसे सशक्त राजनेता हैं और ईमानदार राजनेता हैं, हम सभी को बहुत उम्मीदें हैं उनसे। ठीक है, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश का युवा है जो अपनी बात रख रहा है, चाहे पेपर लीक की समस्या हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, चाहे जो बुलडोजर राज उत्तर प्रदेश में चल रहा हो उसकी समस्या हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर युवा जो है वो सड़कों पर आया है। राहुल गांधी अब से कुछ ही देर में जो है लखनऊ आएंगे और ये युवा उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और सभी को ये उम्मीद है कि राहुल गांधी ही उनको न्याय दिलाएंगे, इसीलिए वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। न्याय का हक मिलने तक।